किसानों के दुश्मन हर जगह हैं। इतना ही नहीं, मुनाफा खोरों की भी कोई कमी नहीं है। कैथल में मेहनत कोई और कर रहा है और उसका फल कोई और खा रहा है। बीते दिनों हमने आपको कैथल राइस मिलों की वो खबरें तो दिखाई ही थी, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर मंडियों की जगह सीधा राइस मिलों में गेहूं खरीदा जा रहा है। वहीं इस मामले में अब सवालों के कटघरे में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिनके कंधों पर किसानों की फसल को उचित दाम और सही जगह दिखाने की जिम्मेदारी है। कैथल में जिसके कंधों पर गेहूं खरीद की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की नाक के नीचे से अनाज मंडी की बजाय अवैध तरीके से अनाधिकृत गेहूं की खरीद केंद्र में चल रहे हैं। मामला इतना गंभीर होने के बाद भी जिम्मेवारी अधिकारी आंखें मूंद करके ये पूरा खेल देख रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ये आपको खोलकर बताते हैं। कैथल अनाज मंडी में कुछ दिन पहले निजी मिलों में आढ़तियों द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के मंडी की बजाय 15 से ज्यादा अपने प्राइवेट सेंटरों में गेहूं डालने का मामला सामने आया था, जिसमें अभी तक भी ना तो कैथल मंडी के सचिव ने किसी आढ़ती के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और न ही डीएमईओ ने, जो कि अब भी 15 से ज्यादा अनाधिकृत राइस मिलर सरेआम प्रशासनों की आंखों में धूल झोंककर जिम्मेवार अधिकारियों की नाक के नीचे से ही इस तरह का गैर कानूनी कार्य कर सरेआम धड़ल्ले से किसान की गेहूं को अपने प्राइवेट सेंटरों में डलवा मंडी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं इस मामले में मंडी के प्रशासक और एसडीएम कैथल संजय वाल कुमार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है और इस मामले को लेकर उन्होंने पहले ही मंडी सचिव को आदेश दे दिए थे कि जो आढ़ती इस तरह से अनाधिकृत खरीद के केंद्र चला रहे हैं, उन्हें सभी को नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मंगवाया जाए। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। इसी बात का फायदा उठाते हुए काफी आढ़ती आज भी अपने निजी मिलों में धड़ल्ले से गेहूं डलवा रहे हैं। मामले को लेकर एसडीएम संजय कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। और इसके लिए जो है मैंने सेक्रेटरी को दिशा निर्देश दिए थे कि इनका स्पष्टीकरण लेके जो है प्रस्तुत करें, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। तो सेक्रेटरी का सर कहना है कि उन्होंने जो पत्राचार किया है परमिशन लेने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा, कोई पत्र मिला सर आपको? अभी तक मेरे को कोई पत्र प्राप्त नहीं है। तो सर अनुसार मंडी नियम के अनुसार क्या कुछ कार्रवाई बनती है यदि बिना अनुमति के इस तरह सेंटर खोले जाते हैं? देखिए, इसमें आढ़ती का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, जुर्माना किया जा सकता है और FIR भी लॉन्च कराई जा सकती है। तो अब क्या कुछ कार्रवाई सर की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, कुछ हार लिखित में मेरे पास आएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो सुना आपने एसडीएम संजय कुमार क्या कह रहे हैं, वो नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो वही नियमों की अगर बात की जाए तो हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के खुद के लिए या दूसरों के लिए किसी भी तरह के कृषि उपज की खरीद नहीं कर सकता। वही धारा 9 के तहत यदि किसी भी आढ़ती को अधिकृत मंडी से अलग अपना निजी खरीद केंद्र बनाना है तो उसके लिए उसे मंडी के मुख्य प्रशासक से अनुमति लेना अनिवार्य है। मगर धरातल पर हो क्या रहा है वो तो हमने आपको दिखा दिया और बता ही दिया। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब के सिटी टीवी।